मौसम जो है वो ख़राब ही होता जा रहा है। अल्लाह खैर रखे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। आज हमारा क्रूज पे है चौथा दिन, और आज का दिन जो है वो हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि कल सुबह तक हम इंशाल्लाह न्यूयॉर्क वापस पहुंच जाएंगे। कनाडा से हम रात को चल पड़े थे, तो आज मौसम जो है वो भी थोड़ा सा ख़राब है। क्लाउडी स्काइज है, तेज़ हवाएं हैं, दूर दूर बारिश का भी नज़र आ रहा है कि बारिश भी हो रही है कहीं ना कहीं पर। और उसके अलावा जो समंदर की लहरें हैं वो भी आज थोड़ी रफ हैं, तो आज जहाज़ भी काफ़ी चकोले खा रहा है, तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आज हमने हर तरह का एक्सपीरियंस कर लिया इस दिन दो तीन दिनों में, तो आज ये भी एक्सपीरियंस करना हमारे किस्मत में था। तो चले मैं आपको अपने डेक से, अपने बालकनी से जो है वो बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, और उसके बाद हम नाश्ते के लिए चलते हैं। फिर कुछ एक्टिविटीज़ लाइंड अप है, वो एक्टिविटीज़ करनी है, और उसके बाद जैसे जैसे आज का आखिरी दिन हमारा गुजरता है तो मैं आपको सारा बताता हूँ। हमारे साथ रहिएगा। मौसम जो है जी वो वर्स्ट होता जा रहा है, हर 5-10 मिनट के बाद मौसम काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। और अभी आप देखें बिल्कुल जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई है, और हवा भी काफ़ी तेज़ हो गई है। तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ तूफ़ान आ ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो लेट्स सी, अभी हमारा पूरा एक दिन और पूरी अगर आपने सुना हो तो ये बजर था, या वो हॉर्न कह लें शिप का, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम है तो इस वजह से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता ये है कि सर्दी मुझे इतनी नहीं लग रही इधर, शायद ऊपर अभी डेक पे मैं जा रहा हूँ तो देखता हूँ, शायद वहाँ सर्दी ज़्यादा हो। तो लेट्स सी। बहुत तेज़ हवा है, आगे आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। मैं हार्डली आधा मिनट के लिए खड़ा होऊंगा, 20-25 सेकंड आगे खड़ा होऊंगा, उसके बाद मुझे फिर वापस आना पड़ा है। ये अब मैं जिधर बैठा हूँ ये भी बिल्कुल फ्रंट पे, लेकिन यहाँ शीशे लगे हुए हैं तो उस वजह से हवा थोड़ी रुक गई है, लेकिन अभी भी हवा रुकी नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैप्टन्स डेक कहते हैं उसको मेरे ख्याल से, और हर 4-5 मिनट बाद हॉर्न बजाना पड़ता है क्योंकि आगे बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। बारिश भी लग चुकी है दोबारा, और मौसम जो है वो ख़राब ही होता जा रहा है। अल्लाह खैर रखे और हमारा जो आगे सफ़र है वो अच्छा गुजरे। एक नया एक्सपीरियंस है और अच्छा लग रहा, लेकिन थोड़ी थोड़ी डर भी लग रहा है कि आगे कब मौसम ठीक होगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही बेहतर होगा। ये था मेरा दिन का शिफ्ट टूर बारिश में, और अब मैं वापस आ गया हूँ अपने रूम की तरफ,
और मेरा इरादा है कि मैं अब स्विमिंग के लिए जाऊंगा। शिप का ये एरिया जो है ये 18 प्लस है, और ये इसलिए कि यहाँ पे आप जो है वो अपना सिर्फ एडल्ट सिर्फ इस एरिया में आ सकते हैं, बच्चे अलाउ नहीं है। तो हमने इस वक्त अपने बच्चे जमा कराए हुए हैं किड्स क्लब में, और बच्चे अपना खेल कूद रहे हैं, उनकी उधर एक्टिविटीज़ हैं, और हम इधर आए हैं कुछ कॉफ़ी और क्रोसेंट के लिए। आज है जी हमारा लास्ट डिनर, और इसको फॉर्मल ड्रेसेस आपने पहनना है या आपने रीजनल ड्रेसेस पहनना है। तो मैंने रीजनल ड्रेस शलवार कमीज पहनना है, और बच्चों ने भी इसी तरह रेडी किए हैं। मैं बच्चे भी आपको दिखाता हूँ। wow.
मॉर्निंग जी, डे 5 और हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम बिल्कुल अभी ही डॉक हुए हैं। ये अभी जहाज से उतरना एक प्रॉपर प्रोसेस है, आपकी इमिग्रेशन होगी, आपका बाकी सारा प्रोसेस चलेगा। अभी तो अभी तक अभी हमारा लंबा दिन है और अभी हमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी है, तो निकलते हैं, तैयारी करते हैं। लोग ऑलरेडी लाइंस में लग चुके हैं बाहर जाने के लिए और आपकी प्रॉपर इमिग्रेशन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से बनाया है, मुझे उम्मीद है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।